ऑफिस के साथ एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चेज प्लस की ग्रैंड ओपनिंग में और हमारे साथ मौजूद है सीईओ जीएफएस जनाब इरफान भाई साहब। उनसे जानते हैं कि सर जीएफएस की सर क्या खिदमात है और क्या समझते हैं कि क्या वेंचर है हमारा। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबियालाबिकुमातुकज़िबान। मैं यासिर भाई, आमिर भाई, जावेद भाई और पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इन मुश्किल हालात में चेस प्लस की दूसरी ओपनिंग की है गुंजान आबाद गुलिस्तान जौहर में। और हमेशा जैसे चेस की लेगेसी रही है कि कम कीमतों पर क्वालिटी चीज़ें मुयसर होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग का भी बड़ा इंतज़ाम है और रमज़ान के बड़े अच्छे पैकेजेस भी मौजूद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग आएंगे और जिस तरह चेस के दूसरे स्टोर्स को कामयाब आप लोगों ने बनाया है, इंशाल्लाह इस स्टोर को भी कामयाब बनाएंगे। और मैं हाजी अबीब साहब को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो आए और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त दावत इस्लामी की शान और आन और पहचान जनाब अब्दुल हबीब अत्तारी साहब। उनसे भी जानते हैं सर आप क्या इजहार करेंगे यहाँ पर। अल्लाह पाक हमारे दोनों तरफ हमारे भाई हैं यासिर भाई और उनके भाई और इरफान भाई और उनकी पूरी फैमिली को सबको मुबारकबाद पेश करेंगे। आज जुमे के दिन ये नया कारोबार उन्होंने शुरू किया है। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं अल्लाह इनके रिस्के हलाल में बरकत दे। और जैसा कि इरफान भाई ने कहा, मैं भी इनसे यही गुजारिश करूंगा कि जो महंगाई है इस महंगाई में एक नीयत ये रखें कि इस बार हमने अपना प्रॉफिट कम करके लोगों को सहूलत देनी है। हम लोगों को सहूलत देंगे, अल्लाह हमारे काम आसान कर देगा। तो ये वक्त है लोगों की मदद करने का। इस कहते ना रमज़ान पैसे कमाने के लिए नहीं, रमज़ान नेकियाँ कमाने के लिए। तो अल्लाह करे कि हम लोगों के लिए और आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह हमारे वतन के लिए आसानी पैदा करें। जज़ाकअल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब करीम हमारे इरफान भाई, यासिर भाई, इनकी पूरी फैमिली, जितने लोग इसमें पार्टनर हैं, इन्होंने आज एक नया कारोबार शुरू किया है। ऐ अल्लाह इस कारोबार में बरकत अता फरमा, इनको ज़वाले नेमत से बचा, हासिदों की हसद से बचा, बद नज़रों की बद नज़री से बचा। ऐ रब करीम फ़कत रिज़्क़े हलाल हमें अता फरमा और रिज़्क़े हराम से हम सबको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह ऐसा माल दे जो उस्मानी माल हो, कि माल में भी कसरत हो और तेरी राह में खर्च करने का भी दिल हो। ऐ अल्लाह हमें अबू जहलमी माल से महफूज फरमा, कि उसके पास माल तो था वो तेरी राह में खर्च ना करता था। ऐ अल्लाह हमें बरकत वाला माल अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, ऐ रब्बे करीम हमारी सारी परेशानियां दूर फरमा। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमा। और आज जुमे का दिन कबूलियत की घड़ियां हैं, सबके रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमा। बिलखुसूस तेरे दरबार में दुआ है हमारे वतन पर जो कठिन वक्त आया है, ऐ अल्लाह अपने करम से वो कठिन वक्त, वो मुश्किल वक्त दूर फरमा दे, हमारे वतन को तरक्कियां और उरूज अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर रहीम।